जब जब रमज़ान कादिरोव ने ऐलान किया, नया प्लान बताया, तब तब रशिया को बड़ा फ़ायदा हुआ। मेरे दोस्तों, इस वॉर अपडेट में आपको बड़ी जानकारी यही पहले देना चाहता हूँ। रमज़ान कादिरोव ने ये उम्मीद जताई है, ये ऐलान किया है और अपना ख्वाब प्रकट किया है, प्लान बताया है कि आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि अपनी प्राइवेट आर्मी ठीक वैगनर ग्रुप जैसी ही बनाऊँ, क्योंकि वैगनर ग्रुप को रूस के लिए लड़ते हुए यूक्रेन में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। रमज़ान कादिरोव का बयान ऐसे समय पर आया है जब वैगनर ग्रुप को काफ़ी बड़ी बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जबकि वैगनर ग्रुप के बारे में ये भी रिपोर्ट्स हैं कि काफ़ी बड़े नुकसान भी इनको झेलने पड़े हैं। लेकिन रमज़ान कादिरोव की माने तो रमज़ान कादिरोव का कहना ये है कि वैगनर ग्रुप की वजह से रशिया को काफ़ी बड़े फ़ायदे हुए हैं, जिसको देखकर मैं इस फैसले में पहुंचा हूं कि आने वाले समय में मैं अपनी ऐसी ही खुद की प्राइवेट आर्मी बनाऊंगा। ये खबर इधर आई और उधर ये ताज़ा तस्वीर देखिए, मारियोपोल और दूसरे यूक्रेन के इलाकों में वही वैगनर ग्रुप के नए सैनिक पहुँचे हैं। 40 बसें वैगनर ग्रुप की भर कर, जी हाँ, पहुंची है मेलिटोपोल और ज़ैपोरोजिया के यूक्रेन के इलाके में। ये सारी बसेस जो वाइट कलर की आपको नज़र आ रही हैं, ये वैगनर ग्रुप के नए सैनिकों से भरी हुई है। अब एक बस में अगर 80 आप समझ रहे हैं सैनिक होंगे, तो 40 बस में कितने हुए, और उसके पीछे जो प्राइवेट अपनी कार से आए हैं, वो आप समझिए कितनी बड़ी मात्रा में वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन के मेलिटोपोल और ज़ैपोरोजिया के इलाके में एंट्री करी है। इससे ये बात साबित हुई कि रशिया कहीं ना कहीं अभी भी यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है। उधर यूक्रेन के ऑफिशियल अमेरिका के कांग्रेस पार्टी पर प्रेशर बना रहे हैं कि F-16 विमान अमेरिका यूक्रेन को दे दे। उधर रशिया ने ऐलान कर दिया है कि हम अपनी किंजाल मेज़ाइल, जो हाइपरसोनिक मेज़ाइल है, उसकी प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। जाहिरन बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि अब रशिया अपने नए हथियारों को और भी ज़्यादा डेवलप कर रहा है, और जो इस्तेमाल में ज़्यादा हथियार हैं उनके प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। लंबी जंग का इरादा रशिया रखता है। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी मैदान में आ गए। उन्होंने कहा कि अब ये वो वक्त आ गया है जब यूक्रेन की डबल मदद करनी होगी। बात करें मैदान जंग की, तो मैदान जंग का ऐसा है कि आपको लगेगा कि हॉलीवुड का सीन। मैदान जंग में एकदम आमने सामने यूक्रेन के सैनिक और रूस के सैनिक हैं, दोनों के टैंक एक दूसरे पर गोलीबारी और बमबारी कर रहे हैं। उधर देखिए, सच तो बोल दिया है हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने। हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि पूरा यूरोप रूस के खिलाफ पहले से इनडायरेक्टली इस जंग में शामिल है। उधर नाटो के चीफ ने नाटो के देशों को, पूरे यूरोप के देशों को, जो जो देश नाटो में हैं उनको वार्निंग दी है। उनको वार्निंग देते हुए कहा है कि किसी भी हालत में कोई भी देश चीन पर निर्भर ना हो। उधर बात करेंगे हम यूक्रेन की, तो यूक्रेन के हेलीकॉप्टर एक बार फिर से खतरनाक अंदाज में नजर आए, जिन्होंने रशिया के कई ठिकानों पर बड़े हमले कर दिए। मैं पहले ही सुबह बता चुका हूं कि सऊदी अरब के तेवर बदल चुके हैं। अब सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने जो बयान दिया है, इससे बहुत चीज़ें कन्फ्यूज़न में आ गई हैं कि आखिर सऊदी अरब के दिमाग में चल क्या रहा है। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बयान दिया गया है कि सऊदी अरब के रिश्ते रशिया के साथ पूरी दुनिया के लिए, पूरे उस इलाके के लिए
फ़ायदेमंद होंगे। यानी सऊदी अरब रशिया से दोस्ती की चाहत रखता है। उधर दोस्तों बड़ी खबर ये आ रही है कि लीथल वेपन चाइना देने की तैयारी कर रहा है रशिया को, और अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन को बड़े नुकसान झेलने पड़ सकते हैं और ये इस जंग का सबसे खूंखार मोड़ होगा। यूक्रेन के एवदीवका के इलाके में यूक्रेन का एक बड़ा अड्डा, हथियारों का अड्डा, जहां हर तरह के बड़े हथियार मौजूद थे, रशिया ने सटीक निशाना लगाकर उड़ा दिया। दोस्तों इसके बाद G7 का ऐलान आया है। G7 के देशों ने कहा है कि इस जंग के आखिर तक हम यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे और रूस पर और कड़े प्रतिबंध और पाबंदियां लगाएंगे। फिर से ताज़ा तस्वीर दिखा दूं, ये अमेरिका के मिसाइल पोलैंड के रास्ते तेज़ी से यूक्रेन की तरफ रवाना हो चुकी हैं। कहा यह जा रहा है कि ये लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं जो रूस को बड़ी मुसीबत में डालेंगी। इरादे रूस के इतने ख़तरनाक हैं कि खुद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में रशिया ने यूक्रेन के 10 इलाकों पर मिसाइलों की बरसात की है। इसी के साथ दोस्तों बड़ी खबर यह है कि 300 से ज़्यादा रशियन ऑफिशियल्स पर ज़ेलेंस्की ने पाबंदी लगा दी है। तस्वीरें रशिया, मॉस्को, रूस के अलग अलग शहरों से ऐसी भी आ रही हैं जिससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि रशिया अब सेफ नहीं है। 5 मंजिला इबारत में रूस के अंदर आग लग गई। वजह हमेशा की तरह रशिया छुपा रहा है, लेकिन आपको पता है कि किसने किया है। दोस्तों इसके बाद ज़ेलेंस्की का जो बयान आया है वो समझने लायक है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रशिया को बहुत ज़्यादा नुकसान ईस्ट यूक्रेन में हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा रशियन सैनिकों को ईस्ट यूक्रेन में यूक्रेन ने मारा है। उधर ताज़ा तस्वीर दिखाना चाहूँगा, रूस के नए सैनिक फाइनल ट्रेनिंग पर पहुँच चुके हैं और कहा जा रहा है कि इनकी ट्रेनिंग लगभग पूरी हो चुकी है, बहुत जल्द ये यूक्रेन के खिलाफ जंग में उतर जाएंगे। डोनेस्क का इलाका यूक्रेन का था जो कि अब रशिया के कंट्रोल में है। वहाँ पर एक दफ्तर में जो अब रशिया के कंट्रोल में है, जिसे अब रशियन दफ्तर कहिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, उस रशियन दफ्तर में आग लग गई। जाहिर सी बात है आग लगी है तो आग लगने की वजह होगी, और आपको मालूम है कि मैदान जंग का हिस्सा है और यूक्रेन के पास अच्छे ड्रोन हैं। दोस्तों ये तो देख लिया, लेकिन अब मैं बताता हूँ कि यूक्रेन ने डोनेस के इलाके में सुपरमार्केट में बड़ा हमला किया, जिससे पूरी सुपरमार्केट यूक्रेन ने तबाह कर दी है। हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। नाटो हो, G7 हो, अमेरिका हो, इसराइल हो, कोई भी देश हो, इस जंग को रुकवाने में पूरी तरह से फेल हो रहा है। हर देश अपना अपना फ़ायदा देख रहा है। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आपको दुनिया भर की खबरें और ख़ासकर वॉर अपडेट इसी तरह से मिलता रहे। जय हिंद।